नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जे एक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं हल्दर रात्रे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चलने वाला जे एक्स न्यूज। हम अभी आए हैं नवीन जिला शक्ति में, जहां पे कर्मचारी संगठन के प्रथम चौथा कर्मचारी जो है वहाँ पे हड़ताल चल रही है। चलते हैं यहाँ के कर्मचारी संगठन पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने के लिए हम चलते हैं। जी बताएंगे, आज आप लोगों का कर्मचारी संगठन में आप सम्मिलित हुए हैं। आज का जो आप लोगों का जो हड़ताल चल रही है 25 से लेकर के 29 तक के दिवस मांग के लेकर के, इसके बारे में देखिए, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले ये हड़ताल चल रहा है। ये चरणबद्ध आंदोलन पिछले लगभग 1 साल से चल रहा है। ये अभी जो सब तीसरा चरण है, इसमें 25 से लेकर 29 तक के लिए सभी को जिला और ब्लॉक स्तर पे धरना प्रदर्शन करना था और अपने मांगों के पक्ष में शासन के पास अपना पक्ष रखना था। और हमारे पास मतलब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शासन नीति से हमारी बात सुनेगी, मगर ऐसा लग रहा है कि शासन को हमसे कोई मतलब नहीं है और शायद शासन ये चाहती है कि हम इस आंदोलन को और बढ़ा दें। आज जो आंदोलन है ये महारैली के रूप में है। आज पूरे प्रांत में सभी संगठन इसमें लगभग हमारे के लगभग 88 संगठन है। 88 संगठन के सारे कर्मचारी पूरे प्रांत स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस महारैली के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारा जो मतलब मौलिक अधिकार है उसका हनन किसी प्रकार न किया जाए। हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है, हमारा डीए का अधिकार है, उसमें किसी प्रकार की कटौती न किया जाए। जब केंद्र सरकार निश्चित समय पे अपने कर्मचारियों को दे रही है, तो यहाँ भूपेश सरकार को हमको हमारे जो एचआरए है और डीए है इसको देने में क्यों तकलीफ हो रही है। तो हम भी शासन को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ना पूरा न करने की स्थिति में निश्चित रूप से माने चलिए हम भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर प्रेरित होंगे। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या कांग्रेस सरकार की ओर से यहाँ कोई भी नेता की तरफ से कि आपको अभी तक में 25 से लेकर 29 तारीख तक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन दिए हैं क्या? सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना वेतन और अपनी सुविधाएं बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको शासकीय कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। अभी तक हमें कोई आश्वासन कहीं से नहीं प्राप्त। संयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएंगे आप जो कार्यक्रम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण आज प्रदेश का 5.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर बैठने मजबूर है। हमारी मांग है 34% डीए एवं 7वां वेतन मान के अनुरूप एचआर, जो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। लेकिन चरणबद्ध आंदोलन चलने के पश्चात भी आज पर्यंत मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी अधिकारियों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हुए उन्होंने आज तक कोई सकारात्मक और कारगर कदम नहीं उठाए, जिसके कारण ये तीसरा चरण के आंदोलन का 5वां दिन आज बलरामपुर से लेके दंतेवाड़ा कोंटा सुंकमा बीजापुर न्यायधानी बिलासपुर से लेके राजधानी रायपुर में यह हड़ताल चली जा रही है। जी लगातार यहाँ कर्मचारी संगठन के द्वारा 25 से लेकर 29 जुलाई तक अभी लगातार अपने मांगों से लेकर जो राज्य सरकार की जो 22% दिए गए हैं उसको 34% देने को लेकर के आप ये धरना पर बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ महिलाओं की लंबी लाइनें हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ लगातार 25 से लेकर के 29 जुलाई तक अभी कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ अगर इन लोगों को मांग नहीं आते हैं तो अनिश्चित हड़ताल पर बैठने की और आगे की इन लोगों को रणनीति की जाएगी। और लगातार इन अपना मांग हक है इन लोगों का, अगर ऐसी रहे तो 2023 के चुनाव में जो चुनाव में कांग्रेस सरकार को बड़ी नुकसानी हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 लाख कर्मचारी है। 5 लाख कर्मचारी उनके परिवार अगर जुड़े जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन 2023 में कांग्रेस सरकार के लिए ये हानि होगी। जी